मध्य प्रदेश के शिक्षकों 11 सूत्री मांग को लेकर शिक्षक कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश के 50,000 शिक्षकों को लेकर समस्याओं के निराकरण हेतु आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया ने बताया कि जिस तरह से राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल की गई, इस तरीके से भाजपा सरकार को भी मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को देनी चाहिए। ऐसी ही 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अपर कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन सौंपा गया। जी, हम मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के क्रांति आह्वान पर आज प्रत्येक जिले के अनुसार जबलपुर जिले में भी मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के जिले की अनेक समस्याओं के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर महोदय के द्वारा आज ज्ञापन मतलब दिया गया है। यदि अतिशीघ्र मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश शिक्षा कांग्रेस अतिशीघ्र आंदोलन करने के लिए बात होगी, जिसकी जवाबदारी शासन एवं युवा प्रशासन की रहेगी। पंडित विश्वदीप पटेरिया, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षा कांग्रेस जबलपुर। शिक्षा कांग्रेस के क्रांतीय आह्वान पर आज समस्त जिलों में मध्य प्रदेश में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में जिला शाखा जबलपुर के द्वारा जिला शाखा अध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया के नेतृत्व में जिला शाखा की टीम ने मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुख मांगों में छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के समान पुरानी पेंशन की बहाली, गुरुजी संविदा शिक्षक शिक्षा कर्मियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए समस्त स्वत्वों का भुगतान किया जाना, सभी हमारे जो पुराने नियमित शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान अध्यापक, व्याख्याता, प्राप्त वेतन मान के अनुसार उनको पद प्रदान किया जाना, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु, उच्च शिक्षा विभाग के प्रोफेसर्स, हाईकोर्ट के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान 65 वर्ष किया जाना, डॉक्टर्स के समान 65 वर्ष किया जाना, इन सभी के साथ में 11 सूत्री मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। मांग पूर्ति ना होने पर अक्टूबर माह में प्रांत स्तर पर ज्ञापन और उसके पश्चात भी मांग पूर्ति ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए शिक्षक कांग्रेस बाध्य होगी। नारायण तिवारी, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस।